हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आयुष शर्मा की फिल्म रुसलान रिलीज हो चुकी है, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे 20 मिनट की है। और रुसलान फिल्म में आपको जो कहानी देखने को मिलती है वो ये है कि रुसलान नाम का एक लड़का है, जिसके बायोलॉजिकल फादर पर ये इल्जाम लगा होता है कि वो एक टेररिस्ट है। एंड फिर उनका इनकाउंटर हो जाता है, तो जो उनका इनकाउंटर करता है वही रुसलान को पाल पोस कर बड़ा करता है। फिर रुसलान ये डिसाइड करता है कि वो ड्रॉ ज्वाइन करेगा। एंड बाकी की स्टोरी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और रुसलान फिल्म का रिव्यू अगर मैं एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगी कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी ऑन दिस मूवी। फ्रेंड्स, रुसलान फिल्म देखने के बाद ना मेरी नजरों में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। फ्रेंड्स, ये फिल्म ना इतने फास्ट पेस से चलती है कि किसी भी टॉपिक पर ना ठीक तरह से फोकस नहीं किया गया है। एवरीथिंग इन दिस फिल्म इज हेयर एंड देयर। एंड इस फिल्म में यू विल फाइंड किसी का भाई किसी की जान वाले सलमान खान की आत्मा आयुष के अंदर आ गई है। जलवा है हमारा। और इस फिल्म से ना आपको कोई भी अटैचमेंट फील नहीं होगी, ना मेंटली ना इमोशनली। एंड स्पेशली जिस तरह से स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है ना, आई एम डैम श्योर आपको नींद आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस फिल्म में 5 से 7 मिनट तो आयुष शर्मा की एंट्री पर ही वेस्ट कर दिए गए हैं। ये क्या बात करता है यार। 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म में स्लो मोशन और गाने 1 घंटे 20 मिनट के हैं, और पिक्चर सिर्फ 1 घंटे की ही है। और उस 1 घंटे में भी ना कहानी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है, कैरेक्टर्स का कुछ भी आता पता नहीं है। बहुत ही थर्ड क्लास मूवी है। ऐसी थर्ड क्लास मूवी बनाने के बाद भी ना मेकर्स इस फिल्म का पार्ट 2 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या बोला तूने? अंतिम फिल्म में आयुष शर्मा को देखने के बाद यही लगा था कि अब वो बहुत आगे जाएंगे, अब वो बहुत अच्छा करेंगे। पर यार, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना तो वो ना ही करे तो अच्छा है, बिकॉज वो किसी काम का नहीं है। इस फिल्म में आपको कोई भी न्यूडिटी या एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा। और मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग देती हूँ। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने इस फिल्म को देखा है, और अगर देखा है तो कैसी लगी। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।